स्वदेशी आंदोलन का विस्तार देने के उद्देश्य से आज 6 मार्च को पवित्र भूमि हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सानिध्य में पतंजलि सहकारी केंद्र स्थापना हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रमा रेड्डी जी, एडिशनल रजिस्ट्रार श्री एस एन तिवारी जी, श्री पी के अग्रवाल जी, श्री अखिलेश वाजपेयी जी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार श्री वी के सिंह जी, डिप्टी रजिस्ट्रार श्री आर के कुलश्रेष्ठ जी का आगमन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास व सुदूर ग्रामीण के लोगों को पतंजलि के स्वदेशी और गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर आयोजित इस बैठक में पतंजलि ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर व मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 271 सहकारी समितियों के साथ अनुबंध करते हुए MOU साइन किया। श्रद्धेय आचार्य जी ने आए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। अतिथियों ने भी श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन किया। मंच पर दीप प्रज्वलन किया गया। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी, श्री मुकुट बिहारी जी व अन्य विशिष्ट अतिथियों ने सहकारी केंद्र स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्र को समृद्धशाली बनाने की योजनाओं को लोगों के समक्ष रखा। सर्वप्रथम तो मैं इस पतंजलि योगपीठ परिवार में, इस पतंजलि के पवित्र प्रांगण में आज पावन उपस्थिति के लिए माननीय मंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ऊर्जा के साथ में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किस तरह से प्रांत का विकास हो, हमारे किसान भाई, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस बेहतरी के लिए सर्वत्मना संलग्न और प्रयत्नशील ऐसे ऊर्जावान मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी का हम बहुत ही हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार आप लोगों की जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। और मेरे सामने जितने भी भाई बैठे हैं, मुझे प्रसन्नता है क्योंकि हम लोगों ने मंडल स्तर की एक मीटिंग कई महीने पहले हम कर चुके हैं और आज उस सूक्ष्म स्वरूप को गति देने के लिए हमारे बहुत ही ऊर्जावान सचिव रेड्डी साहब यहाँ पर हैं। आप भी पहले मीटिंग में आकर के इस स्वरूप को कि किस तरह से हम गांव के विकास को, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा भारत गांव में बसता है, दुर्भाग्य से आजादी के इन 70 वर्षों में भी गांव की जो सूद हमें लेनी चाहिए थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्रयास है कि अब जाकर के कहीं गांव को सूद लेने की एक शुरुआत हुई है। उस शुरुआत को हम कैसे एक शक्ति प्रदान करें, यह हम सब का लक्ष्य है और इसी कार्य को विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जितने भी आप हमारे सम्मुख भाई हैं, आप कुछ बहनें भी हैं, आप सभी लोग उसी अभियान को आगे गति प्रदान कर रहे हैं। तो ये संयुक्त रूप से, समवेत रूप से कार्य आगे बढ़ाने का यह प्रयास है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको, क्योंकि जो पतंजलि के द्वारा जो अभी एक हमने स्वरूप बनाया है कॉपरेटिव के साथ में, कि कॉपरेटिव के साथ जो पतंजलि के जो हमारे FMCG, फिर हम लोग कंपोस्ट के देसी खाद, उसके बाद फिर हम लोग अभी सॉइल टेस्टिंग वाला भी हम लोग उसकी भी बात कर रहे हैं, दो तीन चीज़ें और बना करके अभी, या कैटल फीड में आप लोगों ने बहुत बार प्रयास भी किया, उसमें कुछ अच्छा भी था, कुछ फिर मिल नहीं पाया, तो वो सारी समस्याओं को भी दूर करते हुए जो अभी आज हम लोगों ने एक पूरा उसके लिए व्यवस्थित स्वरूप बनाया है, उस स्वरूप को
प्रस्तुति एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देख पाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग जो देश में पतंजलि के साथ जुड़े हुए लोग, या मैं यूँ कहूँ कि हमारा जो एरिया फोकस हम लोगों का, हमारे दिमाग में ये बात थी कि गांव के लोगों को पतंजलि के माध्यम से हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे ट्रायल किए कि गांव तक किस तरह से हम अपनी चीज़ों को पहुंचा सकें। और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में शहरों के लिए बहुत योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने छूट पर या बड़े बड़े जितने भी उन लोगों के जो स्कीम हैं वो बड़े शहरों में चलते हैं, और वहीं हिंदुस्तान की जितनी नकली चीज़ें होती हैं, जितनी घटिया चीज़ें होती हैं वो गांव में खप जाता है। यानी गांव वालों को अच्छे कंपनियों के प्रोडक्ट वो MRP पे मिलना भी बहुत दुस्तर काम है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी योजना चलाई जाए कि जिससे कि गांव के लोगों को भी इससे उनको लाभ मिले। इसके लिए हम लोगों ने बहुत अनुसंधान के बाद में एक मॉडल बनाया, और मुझे खुशी है कि आज हम उसी की चर्चा करते इसको आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें कि किस तरह से सहकारी संस्थाओं को भी शक्ति मिले, बहुत सिंपल सा मॉडल है। हम लोगों ने गांव के ऊपर बहुत रिसर्च किया, हमने देखा कि जो गरीब से गरीब परिवार भी है, क्योंकि पतंजलि के पास इतनी विविधता है उत्पाद की, तो उन उत्पादों में से उसको 1,000 रुपया पूरे परिवार के लिए 1,000 रुपये की कम से कम उत्पाद की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। मान लीजिए कि आप कुछ खेती घर में करते हैं तो आप गेहूं, चावल, सब्जियां ना भी वो तो अपने घर में पैदा करते हैं, परंतु आपको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाकी तेल या और भी इस तरह की कोई कई बार दालें वगैरह भी चाहिए या और सामान चाहिए, तो लगभग वो 1,000 रुपये से कम पे तो होता ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही लगता है। तो हमने एक बहुत बहुत गरीब और बहुत पिछड़ा हुआ परिवार को लक्ष्य में रखते हुए हम लोगों ने एक मॉडल बनाया कि यह उत्पाद वो खरीदता है तो उसमें हम कम से कम उसको 5% से 7% की छूट उस खरीदने वालों को मिले। एक ये लक्ष्य के ऊपर हम लोगों ने काम किया। दूसरा, जिन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उत्पाद जाएगा उन सहकारी संस्थाओं को हम 10% लगभग, कुछ उत्पाद में 12-15% भी है, घी या तेल आदि में थोड़ा कम है, तो एक एवरेज लगभग ये मान करके चलिए कि 10% आपको इस उत्पाद का जो उसमें से मार्जिन आपको दिया जाए। तो इस तरह से सहकारी संस्था, जैसे मान लीजिए कि आप, आपके पास एक पैक्स के पास में 1,000 मेंबर हैं, तो 1,000 मेंबर बनने का अर्थ हुआ कि 1,000 परिवार के लिए एक पैक्स के साथ में सामान जाएगा, तो सामान जाएगा तो 10 लाख रुपए का सामान हुआ, तो 10 लाख रुपए का सामान जाएगा तो जो भाई को जो छूट मिला, जो किसानों के पास जो छूट चला गया हमारा 5% भी हम माने तो 50,000 का तो छूट चला गया, और जो पैक्स है, जो सोसाइटी है आपकी, 10% को आपको मार्जिन मिला तो महीने में आपको 1 लाख रुपए मिला। यानी 1 लाख सोसाइटी को मिला, खरीदने वाले किसानों को 50,000 रुपये छूट मिला। ये तो हुआ एक स्टार्टिंग का मॉडल, और इसमें सबसे सरल उपाय कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है हमने इस तरह से बनाया कि वो सॉफ्टवेयर आपके सोसाइटी के अंदर वहीं लग जाएगा, वो हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एक बच्चे को आपको रखना होगा जो बिलिंग वगैरह जो भी करेगा, उसको एक बच्चे को रोजगार भी मिल जाएगा, एक या दो नए लोगों को भी हर एक सोसाइटी में अभी नया जो पहले से आपकी टीम है उसके अतिरिक्त उनको रोजगार भी मिल जाएगा। इसके बाद में वो, ये तो रूटीन का हो गया कि इस तरह से रूटीन में चीज़ें शुरू हो जाएंगी। होने के बाद में हमने इसमें दो चीज़ें और जोड़ा कि और हम क्या कर सकते हैं। दुर्भाग्य से देखिए हिंदुस्तान में बहुत एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, बहुत मृत्यु होती है,
वो हमारे हाथ में नहीं। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि किसी को भी इस तरह के दर्दनाक या किसी परिवार में इस तरह की पीड़ा किसी को सहन करना पड़े। और हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट जो है आज शहरों से ज़्यादा गांव में हो रही हैं। वहाँ उनको यदि एक कमाने वाला होता परिवार का वो चला जाता है तो पूरा परिवार जो है, जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास तक के लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा तो सबको होती है, पर उनका तो पूरा घर ही उजड़ जाता है। तो उसके बाद में हमने सोचा कि इसको इंश्योरेंस को भी जोड़ना चाहिए। तो जो स्वदेशी समृद्धि का मेंबर बनेगा उसको जिस क्योंकि परिवार में सबको मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति मेंबर बना तो उस कार्ड से सभी लोग खरीद सकते हैं परिवार के लोग। तो उस जो व्यक्ति घर से बाहर आना जाना जिसका ज़्यादा रहता है तो उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपया वो पतंजलि देगा। आपको इंश्योरेंस के लिए अलग से कोई पैसा जमा राशि कुछ नहीं करनी, सिर्फ आप 1,000 रुपये का सामान पतंजलि का खरीद रहे हैं। उसमें भी फिर हमने और ज़्यादा ध्यान दिया, हमको लगा कि यदि महीने में कभी आप खरीदना भूल गए तो क्या होगा। उसमें फिर हमने उस मॉडल पर यह काम किया कि हमने 6 महीने का पीरियड रखा, उसमें 6 माह में 6,000 रुपया। यानी कभी आपने 2,000 का खरीद लिया तो मतलब आपके खरीद में 6 महीने के अंदर उस खाते में 6,000 की खरीद रहनी जरूरी है। इतना हो जाएगा वो आजीवन इंश्योरेंस चलता रहेगा। तो वो इस तरह से फिर किसी की बहुत ज्यादा अपंगता हो गई तो उसमें हमने फिर 2.5 लाख रुपया भी रखा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो किसी कार्य के नहीं रह जाता है, शरीर देह तो रहता है, उनके लिए 2.5 लाख रुपया ये इंश्योरेंस का भी हमने उसके साथ जोड़ दिया। ये तो हो गया कि सीधे तौर पर इस आप पतंजलि के साथ जुड़ रहे हैं तो पतंजलि के माध्यम से जो आपको सहयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी और हमारी योजना इसके साथ जोड़ने की ये है कि इस तरह से जब आप जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद में हम लोग जितने जैसे आप उत्पाद जो आप पैदा करते हैं, आपके उत्पाद जो आप चाहे वो आप धान उगाते हैं, चाहे गेहूं उगाते हैं, चाहे दूसरे जो भी अनाज वगैरह उगाते हैं, अगली फिर हमारी योजना होगी कि उसके माध्यम से आपके पास क्या क्या है वो आपसे हम पूरा रिपोर्ट लेकर के आपके उत्पाद की मार्केटिंग के लिए हम लोग सहयोग करें, या तो हम खरीदेंगे। उसमें हमको कोई स्पेशल आपसे कोई वो नहीं चाहिए, कोई डिस्काउंट या सहयोग नहीं चाहिए। हाँ, बाजार मूल्य पर आप आराम से चीज़ों को बेच सकें या आपको अतिरिक्त मूल्य मिल सके, इसके लिए हम काम करेंगे। ये हम करेंगे, ये इसके बाद में वो शुरू होगी। इसी तरह से हमारा दूसरा काम है वो यह काम है कि हम चाहते हैं जैसे अभी कंपोस्ट के लिए भी, कि अभी हम लोग बायोकल्चर ऑर्गेनिक सारी जितने भी खाद है वो हम लोग बना रहे हैं, तो कोऑपरेटिव के माध्यम से बाद में हम उससे भी जोड़ देंगे। तो जितने भी गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे जुड़ेंगी, पर एक शुरुआत के रूप में यदि हम इस अभियान को चलाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि गांव के लोग समृद्धशाली इस रूप में हो जाएंगे, उनको अच्छे उत्पाद सस्ते मिलेंगे, डिस्काउंट पर मिलेंगे, घर पर मिलेंगे, और कई लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। और इसमें बड़ी बात ये होगी कि जो उत्पाद हैं, क्योंकि एक समस्या ये आई थी हम लोगों ने पीछे शुरू किया था सेल्स और आपकी उपलब्धता के लिए, तो उपलब्धता के लिए अभी समस्या इसलिए नहीं होगी, जो SD होगा हमारा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपके स्क्रीन पर वहीं पर ही आपको उनका प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई देगा कि ये प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल हैं, जो आपको ज़रूरत होगी आप डिमांड करेंगे वही उत्पाद आपके पास आपके दुकान पर पहुँच जाएगा। और इसमें मैंने माननीय सचिव साहब से भी कहा था, माननीय मंत्री जी से भी, क्योंकि जैसे किसान लोग हैं कि आप लोगों का जो क्रेडिट कार्ड वगैरह बनता है तो किसान क्रेडिट कार्ड से भी ये जुड़ जाएगा। सपोज मान लीजिए कि कभी आपके पास कोई किसान के पास 1,000-1,500 का सामान खरीदने के लिए भी यदि पॉकेट में पैसा नहीं है तो कार्ड बना हुआ है तो क्रेडिट से भी जा करके वो खरीद पाएगा, जिससे कि कई बार ऐसी स्थिति होती है जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, हमने ऐसा देखा है कि जब अनाज पक जाता है बेच देते हैं तो उनके पास थोड़ा पैसा आता है, पर जब बिल्कुल अभी जैसे गेहूं पकने से पहले पहले किसान की हालत ऐसी होती है कि वो रोजमर्रा की चीज़ों में भी वो बचत करना शुरू करता है, पेट काट करके खाता है, तो वो ऐसी स्थिति ना आ जाए, वो उधारी में भी ला करके अपने घर की आवश्यकता को चला सके, यह भी इसके पीछे उद्देश्य है।
तो ये एक भी बहुत ही पवित्र उद्देश्य और बहुत व्यापक भावना के साथ में। इसमें यदि पतंजलि को देखें कि इसमें पतंजलि को क्या लाभ है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें हमको 5 से 7% अतिरिक्त ही बर्डन है हमारे संस्थान पर। इतना भी नहीं, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आज, क्योंकि अभी हम लोग सभी विषय में अभी चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इंश्योरेंस तो कर लिया हमसे, करने के बाद में 2 कंपनियों के साथ इंश्योरेंस हमने करी हुई है। हुआ क्या कि इंश्योरेंस का किस्त तो गया थोड़ा, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों ने अपने चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में चला रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो उसके पास इंश्योरेंस का पैसा तो पहुँचा करीबन करीबन वो 2-2.5 लाख रुपये, दो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास, 7 लोगों की अभी तक उनका वो जीवन नहीं रहा जो मेंबर बने थे, 7 लोगों की डेथ हो गई। वो मेरे पास आके कहता, गुरु जी मेरे को तो मिला तो हमारे को 2.5-3 लाख रुपया, पर जी आपका तो ये 35 लाख रुपया तो अभी क्लेम आ गया मेरे पास। तो अब उसको क्लेम, वो बोले जी कैसे होगा ये होगा, मैंने कहा चलो तेरा देख लेंगे। पर फिर मैंने पता करवाया 7 लोगों को, जो अभी तक ट्रायल में ही जितने लोगों को गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति का एक दिन पहले ही 6,000 रुपये का खरीद पूरा हुआ था, दूसरे ने 9,000 रुपये का ही टोटल सामान खरीदा था पतंजलि का, तीसरा मतलब सारे ऐसे ही थे लगभग। आज उनको जब परिवार को 5 लाख रुपये मिल गया, तो आप समझिए कि उस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा मिल गया। तो आप गांव में सब खेद, क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, परिवारों को जानते हैं, एक संबंध भी होता है गांव में, कितनी बड़ी बात होगी कि आपके पड़ोस में से कोई भाई ऐसी दुर्दशा को, इस विषमता को प्राप्त न हो, यदि कोई हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं चिंता मत करो, पतंजलि का 5 लाख रुपये का जो अनुदान सहयोग है वो तो आपको मिलेगा ही ना। तो ये एक गांव में सौहार्दता को बढ़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए भी बड़ा काम होगा। इन सब पवित्र भावनाओं से इसको शुरू किया गया है, तो वही अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के रूप में उसको थोड़ा सा कैसे काम करता है कार्ड वगैरह अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर बाद में आप लोगों के साथ थोड़ी चर्चा भी होगी और आगे कार्यक्रम चलेगा। गौरवशाली पतंजलि समृद्धि कार्ड जन कल्याण का एक सर्वोत्तम देशव्यापी अभियान है, जिसका परम उद्देश्य है पतंजलि से जुड़े हर भारतवासी और उसके परिजनों को बचत के साथ साथ जीवन सुरक्षा प्रदान करना। पतंजलि के स्वदेशी के प्रचार प्रसार के साथ देश के गांव-गांव तक इस जन कल्याणकारी अभियान से आप अब पतंजलि सहकारी आरोग्य केंद्र के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये कार्ड एक उत्कृष्ट स्नेहिल आशीर्वाद है श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी तथा आचार्य बाल कृष्ण जी की ओर से, जो पतंजलि के महान लक्ष्य से प्रेरित हर देशवासी को 5 लाख रुपए के अनुदान राशि की सुरक्षा प्रदान करता है। समृद्धि कार्ड सिर्फ एक शॉपिंग कार्ड नहीं, बल्कि एक बहुउपयोगी बहुआयामी कार्ड है। इसके मुख्य तहत 3 लाभ हैं। समृद्धि कार्ड का सर्वोच्च महत्वपूर्ण लाभ है अनुदान राशि सहयोग द्वारा आकस्मिक जीवन सुरक्षा। कार्ड धारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख का अनुदान व स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा लाभ, जैसे कि आपने 4,000 रुपए तक का रिचार्ज किया तो 5% और 4,001 रुपए या उससे अधिक के रिचार्ज करने पर 7% स्वदेशी निष्ठा राशि आपके कार्ड में समावेशित कर दी जाएगी। तीसरा लाभ ये कि समृद्धि कार्ड आप सभी पतंजलि स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालयों, पतंजलि CSC आरोग्य केंद्रों व पतंजलि सहकारी आरोग्य केंद्रों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। अब निश्चिंत रहें, सुरक्षित रहें। स्वदेशी समृद्धि कार्ड एक सर्वोत्तम उपहार है, जो पतंजलि के जन कल्याण के अभियान को गरिमापूर्ण अनुष्ठान के रूप में स्थापित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल पेमेंट यानी कैशलेस योजना का सबसे बड़ा अभियान है ये। एक थोड़ा सा आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने उद्बोधन के लिए माननीय हमारे शंभुनाथ तिवारी जी, मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने वाणी से, अपनी ऊर्जा से हम सबको शक्ति प्रदान करें। तिवारी जी। सर, यह योजना पायलट बेसिस पर सहकारिता विभाग में अप्रैल मई 2018 से लागू की गई थी।
तीन मंडलों में, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल में। उस समय योजना को संचालित करने के लिए एक त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया था, जिसमें रिटेलर समिति थी, डिस्ट्रीब्यूटर थे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर थे। इस योजना के प्रथम चरण में ही कतिपय समस्याएं आईं, जिसमें प्रमुख समस्या ये थी कि इन तीनों ढांचों के आपसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसे भी समान समितियों पहुंच गए जो उनकी मांग नहीं थी। उसके बाद इस अनुभव से सीख करके और उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास इस संशोधित योजना में किया गया है। अब यह त्रिस्तरीय ढांचा बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब समिति सीधे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से अपना सामान मंगा सकेगी। जैसा कि भैया आचार्य श्री ने आप लोगों को बताया कि सॉफ्टवेयर यहाँ से मुफ्त मिलेगा, जो आपके कंप्यूटर में सेट हो जाएगा और वहीं आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, कौन सामान उपलब्ध है, उसका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और अभी तक जो आपने काम किया है वो अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि आपके क्षेत्र में किन किन पतंजलि उत्पादों की आवश्यकता है, उनको आप ऑर्डर करेंगे। पहला ऑर्डर कम से कम 1,00,000 रुपये का होगा। तो और यह भी आपके अनुबंध पत्र में भी लिखा है और आचार्य श्री से हमें आश्वासन भी मिला है कि आपको जिस सामान की आपूर्ति की जाएगी उसमें जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी उसका कम से कम 50% शेष रहेगा। जैसे जब किसी भी सामान की एक्सपायरी डेट 1 साल का है मैन्युफैक्चरिंग डेट से, तो आपके यहाँ जो सामान जाएगा कम से कम उसके 6 महीने शेष रहेंगे। इसके अलावा समृद्धि कार्ड योजना इस योजना में लागू की गई है, जिसका आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा। मैं नहीं समझता कि इस संदर्भ में आचार्य श्री ने जो बताया उसके बाद हमें कुछ बताने की आवश्यकता है। बहुत कुछ न कह करके अंत में ये कहना चाहता हूँ, आचार्य जी आपका भी लक्ष्य गांव और गरीब ही है और हमारी समितियों की स्थापना भी गांव के गरीब और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए ही की गई थी। और जब लक्ष्य ही हमारा एक है और साधन हमारे अच्छे होंगे तो हम यह आशा करेंगे कि हम अपने साध्य को भी प्राप्त करेंगे, इससे हमारी समितियों का व्यवसाय बढ़ेगा, समिति की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हम नए नए लोगों को रोजगार दे सकेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध एवं स्वदेशी उत्पाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। अभी थोड़ा सा आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि यदि कोई स्वदेशी समृद्धि कार्ड का मेंबर है तो वो कार्ड लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, चाहे मेगा स्टोर में, चाहे चिकित्सालय में, चाहे आरोग्य केंद्र में, चाहे सहकारी केंद्र में, या वो जहाँ पर भी हमारे जो ऑथराइज सेंटर है जाएगा तो कार्ड उसी तरह से काम करेगा। तो प्रायः आप उसी जगह पर ही जहाँ गांव में हैं वहीं रहते हैं। कभी मान लीजिए कि आप कहीं चले गए और आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पास कार्ड है, सामान की जरूरत है, तो बाहर से भी आप उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक तो और जानकारी मैंने जो माननीय तिवारी जी ने कहा उसके आगे जोड़ दिया है। दूसरी बात जो मैंने आपको थोड़ा सा अभी बात की, देखिए हरित क्रांति इस देश की आवश्यकता थी क्योंकि आबादी बढ़ रही थी और हमारे उत्पाद कम हो रहा था। उस समय पर उस हरित क्रांति में हम लोग एक गलती कर गए, या सब लोग स्वीकार करते हैं कि हम केमिकल के साथ में, यूरिया और पेस्टिसाइड के साथ में, यदि पारंपरिक चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ते तो बहुत बेहतरीन होता कि हमारी धरती बंजर न होती और विविध रोगों से आज हमको ग्रसित न होना पड़ता। तो पतंजलि ने अब यह बेड़ा भी उठाया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित करते हुए समाधान को भी लेकर के हम आए हैं। समाधान इस रूप में, क्योंकि कई लोग ऑर्गेनिक तो करना चाहते हैं परंतु ऑर्गेनिक के लिए बहुत बेहतरीन खाद या दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो पूरी प्रामाणिकता के साथ में 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक आज पतंजलि में इसके लिए अनुसंधान कर रहे हैं
और बहुत बेहतरीन हमने परिणाम पाया है। तो सहकारी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी मैंने अभी निवेदन किया, माननीय सचिव साहब यहाँ पर हैं, सभी हमारे रजिस्ट्रार साहब यहाँ पर हैं, तो वह भी आप लोगों की सुविधा के लिए वो सहकारी के माध्यम से वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और आगे एक चीज़ और जो रह गई थी, अभी हम बीज के लिए भी योजना बना रहे हैं, हालांकि वो कृषि विभाग का काम है, पर करने के लिए तो सब आपको ही करना है, इसलिए आपके संज्ञान में डालते हुए वो कंपोस्ट वाला माध्यम जी, हमारे आर के आनंद जी ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विदेशों में बहुत काम किया। अभी पतंजलि की जो हमारी जो पीबी आ रही है बायो रिसर्च में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आनंद जी और साथ में पांडे जी हैं, वो इसको पांडे जी अभी सारा हमारा जो मार्केटिंग वाला सेल्स वाला जो पार्ट देख रहे हैं, तो उसको भी एक बार आप देखेंगे कि किस तरह से पतंजलि के जो हमारी बायो कल्चर है, बायो फर्टिलाइजर है, बायो कंपोस्ट है, वो कैसे काम कर रही है, और उनका थोड़ा सा आप देखें जी। मैं आपको थोड़ा हम क्या कर रहे हैं पीबीआरआई में, पतंजलि क्या कर रही है किसानों के हित के लिए, और क्या हमारी समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है, इसके बारे में थोड़ा अवगत कराऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है शरदे आचार्य जी और स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उन्होंने ही इसके लिए बहुत ही एफर्ट्स किए हैं, हम सब लोगों को एकत्रित किया है, बहुत से साइंटिस्टों को, जिससे कि हम इसको प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल शेप दे सकें, और फार्मर और हमारी जो जमीन है, भूमि है, ये उपजाऊ हो, उसको लेके चल रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला जो हमारा विशेष ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, जो भूमि की गुणवत्ता है, जो उर्वरक शक्ति है, उसको आप कैसे बचा सकते हो, इसको कैसे इम्प्रूव करोगे, इसका जरिया कोई यूरिया या डीएपी ये विकल्प नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत साधारण चीज है सॉइल की पीएच, अगर आपकी पीएच सामान्य है 6.5 से 7.5 के बीच में है, तो आप जो भी पोषक तत्व भूमि में डालोगे, अपने खेत में डालोगे, वो पौधे को उपलब्ध होंगे। इस चीज को जानने के लिए कि सॉइल पीएच क्या है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है सॉइल में,